हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है इन्फो गवर्नमेंट जॉब चैनल के ऊपर। तो दोस्तों, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसके ऊपर आपको सभी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट दी जाएगी, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, या पुलिस हो, स्टेट पुलिस हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसकी अपडेट दी जाएगी। तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस। हेलो दोस्तों, तो दोस्तों एएलपी एंड टेक्नीशियन के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल के एडमिट कार्ड दोस्तों, जिनका रिजल्ट पहले आ चुका था, उनका दोस्तों सभी के जारी कर दिए गए हैं। कल मुंबई के, शायद मुंबई, चंडीगढ़, भोपाल, इनके अभी तक नहीं आए हैं। बाकी जिनका पहले था उनके सभी के आ गए हैं दोस्तों। तो एडमिट कार्ड वो जारी कर दिए गए हैं। कब से हैं मेडिकल, ये दोस्तों मैंने आपको जिस दिन रिजल्ट आया था पहले दिन, उसी के दूसरे दिन दोस्तों आपको सबसे पहले यूट्यूब पर बता दिया था कि 17 जून से आपके मेडिकल स्टार्ट हैं। तो दोस्तों 17 जून से ही मेडिकल सभी के स्टार्ट हैं। किसी के लेट रिजल्ट आ रहा था दोस्तों, उसको शायद उसके 1-2 दिन बाद में हो रिजल्ट मेडिकल। दोस्तों ये आपका मेडिकल है वो 17 जून से स्टार्ट है, और 1 दिन के अंदर कितने लड़के या कितने कैंडिडेटों को बुलाया जा रहा है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने जितने लड़कों को पास किया गया है, मतलब किसी जोन के अंदर 10,000 कैंडिडेट पास किए गए हैं, तो वहाँ पर मेडिकल है वो कितने दिन चलने वाला है और ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी दोस्तों, ये हम इसी से पता लगा पाएंगे कि 1 दिन में कितने लड़कों को बुलाया जा रहा है दोस्तों। तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है दोस्तों, मैंने कल ही मॉर्निंग में आपको वीडियो डाली थी। तो बेसिक तौर पर डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ लेके जाने नहीं है, आपको बेसिक बेसिक बता दिए थे वही लेके जाने हैं। बाकी करेक्टर सर्टिफिकेट, पुलिस वेरिफिकेशन, ऐसे कुछ भी नहीं लेके जाना है, तो उसके चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़े दोस्तों। तो शेड्यूल जारी हो गया है दोस्तों, शेड्यूल है वो सिलीगुड़ी का शेड्यूल जारी हो चुका है कि किसका मेडिकल किस तारीख को कितने बजे से है दोस्तों। तो ये बहुत ही अच्छा कार्य यहाँ पर हुआ है, और इसी से हम अंदाज़ा लगाकर बता सकते हैं कि 1 दिन में कितने कैंडिडेटों को लगभग बुलाया जा रहा है। तो सिलीगुड़ी जोन का शेड्यूल है मेरे पास, तो उसके अंदर दोस्तों जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि 2 शिफ्टों में आपका मेडिकल है वो होने वाले हैं दोस्तों। मॉर्निंग नून, फॉरनून और आफ्टरनून, ये 2 शिफ्टों में आपके मेडिकल चलेंगे दोस्तों। एक 8 बजे से है आपका, और एक दोस्तों 2 बजे से है। ये दोनों मेडिकल आपके होंगे, आपके जिस भी जोन से आपने अप्लाई किया है उसी जोन के हेडक्वार्टर में आपके मेडिकल होंगे दोस्तों। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे दोस्तों, और मेडिकल आपके उसी में, वहाँ पर रेलवे हॉस्पिटल के अंदर आपके मेडिकल करा दिए जाएंगे। या तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन ही आपका हो जाए शाम को, या फिर आपका नेक्स्ट डे हो जाए, या फिर आपका 2 दिन बाद हो दोस्तों। तो मेडिकल का अभी कुछ मतलब अपने बोर्ड अपने हिसाब से करवाएगा कि कितने कैंडिडेट है वो उसके कवर में हो जाए उस हिसाब से दोस्तों। 1 दिन में दोस्तों सिलीगुड़ी जोन की जो लिस्ट आई है उसके अंदर मैं बता दूं कि 1 दिन में 50 लड़कों को, मतलब 1 दिन में नहीं, एक शिफ्ट के अंदर 50 लड़कों को बुलाया जा रहा है, और टोटल मतलब माने हम तो इसके अंदर 100 कैंडिडेट हैं वो 1 दिन में आपके मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे सिलीगुड़ी जोन से दोस्तों। अब शायद यही आंकड़ा सभी जोन का रहने वाला है, तभी दोस्तों अजमेर जोन पर जो मैंने आपको आर्टिकल पढ़ के बताया था, उसमें 17 जून से स्टार्ट थे मेडिकल, तो उसमें उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आपके मेडिकल वो लगभग 3 से 4 महीने चलने वाले हैं। तो दोस्तों अजमेर जोन से लगभग 4,500 कैंडिडेट पास हैं, तो लगभग आप 100 कैंडिडेटों को मानोगे तो 45 दिन तो सीधे ही है आपकी मेडिकल। और दोस्तों प्लस आपका जो भी हॉलीडे हैं, वो हॉलीडे की छुट्टी भी आपको इसके अंदर रखी गई है। बीच के अंदर जो भी आपके हॉलीडे आते हैं उनको अवकाश रहेगा सिलीगुड़ी जोन का। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ वो शेड्यूल दोस्तों, ये आपका RRB सिलीगुड़ी DB शेड्यूल है। तो ये आपका शेड्यूल है दोस्तों कि आपका सीरियल नंबर से किस हिसाब से आपका मेडिकल होगा वो दोस्तों इसके अंदर पूरा प्रोसेस लिखा गया है। तो मेडिकल है वो दोस्तों पता नहीं कैसे क्या ये सिस्टम से करवा रहे हैं, इनका जनरल का पहले करवा रहे हैं दोस्तों, कैटेगरी वाइज शायद ये करवा रहे हैं तभी दोस्तों। ना तो ये रोल नंबर वाइज है, रोल नंबर भी आप देख सकते हो पहले 4-4 से चालू है, तो फिर 3-3 से चालू है। तो दोस्तों रोल नंबर वाइज भी नहीं है, और रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी नहीं है आपके। तो दोस्तों कैटेगरी वाइज शायद हो सकता है मेडिकल। तो DV की डेट दिया गया है यहाँ पर आपका 17 जून से, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया 17 जून से मेडिकल आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है दोस्तों। तो फर्स्ट पारी में है और 8 बजे से है, फर्स्ट पारी है वो आपकी 8 बजे है, और आपका रिपोर्टिंग है वो दोस्तों RRB सिलीगुड़ी में है। तो दोस्तों ये धीरे धीरे सभी के ऊपर शेड्यूल जारी हो जाएगा, सभी RRB के ऊपर। जैसे जैसे रिजल्ट जारी हुआ वैसे वैसे ये भी हो जाएगा दोस्तों। और ये दोस्तों आप देख सकते हो कि फर्स्ट शिफ्ट है इनके दोस्तों, आपके यहाँ तक फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आते हैं। तो यहाँ तक आप देख सकते हो 50 कैंडिडेट यहाँ पर आए हैं। तो 50 कैंडिडेटों का सुबह मॉर्निंग में है, और फिर सेकंड में आपका चलेगा 2 बजे से। तो 2 बजे से आपका मेडिकल है, और फिर आपका ये दोबारा से फर्स्ट आ गया। तो ये दोस्तों आपका सेकंड का है लास्ट कैंडिडेट, ये सेकंड का लास्ट कैंडिडेट है। तो आप देख सकते हो 100 नंबर पर आपका सेकंड का लास्ट कैंडिडेट
100 नंबर पर है। तो मतलब 100 लड़कों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो एक दिन में करवा रहा है सिलीगुड़ी जोन। तो लगभग यही रेशियो रहने वाला है। और दोस्तों चेन्नई जोन का मैं आपको बता दूं, क्योंकि दोस्तों चेन्नई से मैं खुद हूँ, तो चेन्नई का भी मेडिकल है वो आपका 17-18 से स्टार्ट है, 17 से 18 से, और 31 आपके 30 जुलाई तक दोस्तों मेडिकल का एडमिट कार्ड मैंने खुद देख लिया है आपको। तो मतलब 30 जुलाई तक है वो मेडिकल, 15 से 30 तक चले, 17 से 30 तक चलेंगे, तो लगभग 1.5 माह आपका चेन्नई के चलेंगे। तो लगभग आपके 4500 कैंडिडेट पास किए गए हैं चेन्नई से। तो दोस्तों शायद 30 के बाद में भी हो सकता है, या फिर एक दिन में ज़्यादा कैंडिडेट लिए गए हों। ये दोस्तों अलग अलग जोन वाइज सिस्टम है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जुलाई तक आपके मेडिकल होंगे, जुलाई अगस्त तक। तो दोस्तों आपका ज्वाइनिंग के लिए तो मैं आपको बता दूं कि सितंबर अक्टूबर के बीच में आपको ज्वाइनिंग करवाई जाएगी। ये दोस्तों संभावित डेट है जिस जोन से, जैसे इलाहाबाद से है दोस्तों 10,000 कैंडिडेट पास हुए हैं, अगर दोस्तों वहाँ पर भी 100 का रेशियो हुआ तो आपके 100 दिन मेडिकल, लगभग आपके 100 दिन मेडिकल चलेंगे। तो मतलब लगभग आप लगा सकते हो हॉलीडे काउंट करके 4 से 5 महीने, 4 से 5 महीने आपके लगने वाले हैं इलाहाबाद जोन से, अगर यही रेशियो रहा तो दोस्तों। तो ये अलग अलग रेशियो है, ये सभी का अलग अलग होगा शायद। तो ये दोस्तों आपका बता दिया डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको क्या लेके जाना है, शेड्यूल जारी कर दिया ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट में दोस्तों आपको बेसिक बेसिक मैं दोबारा से बता दूं कि 10th मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट प्लस 2 फोटोकॉपी। सर्टिफिकेट दोस्तों हो सकता है कि आपका कंबाइंड में आ रहा हो, जैसे 2010 के बाद में शायद कंबाइंड में आता है सर्टिफिकेट, तो सर्टिफिकेट साथ में हो तो दोस्तों 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में है तो उसकी 2 फोटोकॉपी, और 12th की मार्कशीट आपकी 2 फोटोकॉपी। अगर आईटीआई से हो, डिप्लोमा से हो, बीटेक से हो, अलग अलग सेमेस्टर की मार्कशीट है तो अलग अलग, या फिर एक आई हुई है तो एक मार्कशीट, 2 फोटोकॉपी और उनका सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट दोस्तों आईटीआई वालों के लिए मैं बता दूँ कि 2 साल बाद में आता है सर्टिफिकेट, तो दो से एक सर्टिफिकेट है वो, उसका 2 फोटोकॉपी। ये दोस्तों आपके हो गए तीनों। अब दोस्तों आपका डोमेन सर्टिफिकेट मांगा तो नहीं है, सिर्फ जम्मू कश्मीर वालों के लिए मांगा है, पर दोस्तों आप मूल निवास भी लेके जाएं जरूर, पुराना आपके पास हो, 2 साल 3 साल 4 साल जितना भी हो वो भी ले जाएं, आधार कार्ड आपके पास, इनकी दोनों की 2-2 फोटोकॉपी। और दोस्तों इसके बाद में आपका सबसे मेन डॉक्यूमेंट है जो आपको लेके जाना है वो है दोस्तों आपका कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट जनरल वालों को दोस्तों नहीं लेके जाना है, कोई समस्या नहीं है। जनरल वालों को अगर उन्होंने फीस में छूट ली है तो वो दोस्तों आय प्रमाण पत्र बनवा के ले जा सकते हैं, इनकमिंग सर्टिफिकेट है वो आपका एडवर्टाइजमेंट में मिल जाएगा, वहीं से डाउनलोड करके बनवा लें। तो दोस्तों आज के बाद में कास्ट सर्टिफिकेट है वो बताता है ओबीसी का, एससी का और एसटी का, ये दोस्तों अलग अलग हैं। तो अलग अलग फॉर्मेट है वो रेलवे के फॉर्मेट में ज़रूर बनवा लें। दोस्तों आपके पास अच्छा खासा टाइम मिल रहा है आपको, तो आप रेलवे के फॉर्मेट में ज़रूर बनवा लें। और रेलवे का फॉर्मेट है वो दोस्तों आपको तहसील में मिल जाएगा, तहसील जो होती है वहाँ पर आपको रेलवे के फॉर्मेट का वो फॉर्मेट आप निकलवा के लेके जाएं, फॉर्म फिलअप करके लेके जाएं, और पुराना जो जाति का है वो लेके जाएं साथ में, और वहाँ पर आपका बन जाएगा दोस्तों। तो ये आपका जो मेन डॉक्यूमेंट है एससी एसटी ओबीसी तीनों के लिए, ये दोस्तों आपका सबसे मेन है बेसिक। सामान्य कैंडिडेट की दोस्तों मैं बात करूँ तो, अब दोस्तों इसके अंदर आपके पीडब्ल्यूडी आते हैं तो उनका अलग सर्टिफिकेट है, अक्स सर्विस मैन है तो उनका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अलग से है, जो भी अलग से वरीयता है उनके पास अलग से ही उनको डॉक्यूमेंट बनवाने, वो तो दोस्तों उनके अलग से। अगर आप जॉब से हो, इन सर्विस हो, तो आपको एनओसी लेके जानी है, और दोस्तों जो फॉर्म फिलअप करवाया था वो फॉर्म भी लेके जाना है, और अगर आपने ऑफलाइन चालान करवाया तो चालान भी लेके जाना है, ये ज़रूर दोस्तों आप ध्यान रखें। और आपके पास अगर दोस्तों CBT 1, CBT 2, CBT 3 के अगर एडमिट कार्ड मौजूद हैं तो दोस्तों ज़रूर लेके जाएं, शायद वहाँ पर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो वो भी आपका डिक्लेयर हो जाएगा। तो दोस्तों और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको, 3 आपकी फ़ोटो, नई फ़ोटो 3 तो दोस्तों वहाँ पर लिखी है, तो आप कम से कम 5 फ़ोटो लेके जाएं, नई फ़ोटो खिंचवा के, 1 महीने के अंदर की होनी चाहिए, मतलब आपकी शक्ल है वो मिलनी चाहिए सही उसके अंदर, तो वो पुरानी हो चाहिए, कोई उनको कोई वो तारीख नहीं लिखवा के लेके जानी हो ऊपर कि इतनी तारीख को फ़ोटो खींचिए, तो वो पुरानी हो पर आपकी शक्ल उसके अंदर मिलनी चाहिए। ये दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट का मैंने बता दिया, बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट दोस्तों यही है। ओबीसी वालों के लिए एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, वो भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन में है दोस्तों, तो वो आपको खुद का सिग्नेचर से बनवाना है, वो खुद बन जाएगा ऑटोमेटिक, आप बना लोगे साइन करके फोटोकॉपी निकाल के बस। दोस्तों इसके सिवाय आपको शायद कोई डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना है, और अगर मेरे को पता लगता है तो मैं आपको एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे, हम किसी का मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 17 को है तो ज़रूर एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। दोस्तों मेरा मैं बता दूं आपको चेन्नई में 8 जुलाई को है मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेन्नई के अंदर। तो दोस्तों
मैंने आपको पूरी जानकारी बता दी है दोस्तों। जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उनके लिए मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके लेके जाएं, उनकी दो दो फोटो कॉपी लेके जाएं। और मेडिकल के लिए दोस्तों आपकी मेरी एक एडवाइस है, मेडिकल पर शायद और वीडियो में बना दूंगा आपको बेसिक कि कैसे कैसे मेडिकल होता है उनका। दोस्तों कान है वो ज़रूर साफ़ करवा के जाएँ, कान है, टीथ है, जो भी है आपकी, ये ज़रूर सफाई करवा के जाएँ, वहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो इसके लिए। तो ये दोस्तों आपका बेसिक मैंने बता दिया है। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन को प्रेस कर लें अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। और हमारा साथ दोस्तों आगे भी रहेगा, नौकरी लगने के बाद भी रहेगा दोस्तों। तो वहाँ पर आपको GDC भी एग्ज़ाम आती है डिपार्टमेंटल, उनकी भी हम जानकारी देंगे, बाहर भी जानकारी देंगे दोस्तों। तो इसके लिए चैनल को साथ जुड़े रहें। अपनी जो फैमिली है दोस्तों लगभग 11,000 के समथिंग होने वाली है, तो वो दोस्तों बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही का चैनल है दोस्तों, आप जैसा बोलोगे वही इसके अंदर होगा। और दोस्तों जो डिमोटिवेशन करने वाले हैं उनका कुछ नहीं होने वाला है, वो जलेंगे यहीं पे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है उनसे। दोस्तों 3,000 कमेंट आते हैं आपके, 1,000 कमेंट आते हैं, तो 1,000 के अंदर आपका एक कमेंट है वो डिमोटिवेशन वाला आ जाए, 5 कमेंट डिमोटिवेशन वाला आ जाए, तो किसी भी आदमी को अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। ये एक मैं आपको सलाह दूंगा दोस्तों, क्योंकि वो अगर आप 5 के लिए वो काम छोड़ते हो दोस्तों, 995 कैंडिडेटों को आपका जो होने वाला है वो नुकसान होगा दोस्तों। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।